हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज जीत सलाल। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाइसेप की वो सारी एक्सरसाइजेस बेस्ट टू वर्स्ट, यानी कि कौन सी सबसे बेकार है और कौन सी सबसे अच्छी है रैंक के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, पहली एक्सरसाइज जिसको मैं सबसे लास्ट में रख रहा हूँ और जिसको दे रहा हूँ मैं 5 में से सिर्फ 1 स्टार, वो एक्सरसाइज है रिवर्स कर्ल। भाई बुरा मत मानना जो लोग रिवर्स कर्ल करते हैं। अब रिवर्स कर्ल जब आप करते हो ना, ये देखो, दिस इज रिवर्स कर्ल। अब चाहे आप डंबल से करें या बारबेल से करें, जब आप ये मूवमेंट कर रहे हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये बाइसेप को हिट कर रही है। क्यों? क्योंकि आर्म का फ्लेक्शन हो रहा है, एल्बो जॉइंट फ्लेक्स हो रहा है। बट ऐसा नहीं है। आपका आर्म का फ्लेक्शन जब सुपिनेटेड पोजिशन, यानी कि जब आपकी हथेली सामने की ओर फेस करती है, जब आर्म का फ्लेक्शन होता है तभी आपका बाइसेप का मसल सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है, क्योंकि ये इसका फंक्शन है। मतलब बाइसेप ऐसे यहाँ पे अटैच है, जब ये अपने आप को खींचेगा तो ही आपका आर्म का फ्लेक्शन होगा सुपिनेटेड पोजिशन में। ये सुपिनेटेड, ठीक है। अभी क्या किया हुआ आपने, प्रोनेटेड में रखा हुआ है। अब प्रोनेटेड में जब आप ये फ्लेक्शन करते हैं तो आपका बाइसेप का मसल एक्टिवेट तो होता है लेकिन बहुत कम, ज़्यादा आपका फोरआर्म का मसल, इसे कहते हैं ब्रैकियोरेडियालिस मसल, ये ठीक है, दिस पार्ट, ये ज़्यादा आपका एक्टिवेट होता है। तो हमें ये नहीं करना है बाइसेप की एक्सरसाइज में। सो बाइसेप की एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जो बाइसेप को हिट करे। तो ये आपकी बाइसेप की एक्सरसाइज नहीं है। और एक और चीज़, अगर आप इस एक्सरसाइज को यूज़ कर रहे हैं तो जब आप फोरआर्म्स को टारगेट करते हो तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है, बाइसेप को टारगेट करने के लिए नहीं। ऑलराइट, इसके बाद जो एक्सरसाइज मैं रैंक कर रहा हूँ, यानी कि नीचे से 8th नंबर पे, जिसको मैं दे रहा हूँ सिर्फ 2 स्टार, वो है जॉटमेन कर्ल्स। जॉटमेन कर्ल्स क्या, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा आजकल लगाते हुए, ऐसे करते हैं फिर उसके बाद ऐसे करके यू करते हैं, राइट। यानी कि कॉन्सेंट्रिक फेस तो सुपिनेटेड पोजिशन में लेके आते हैं ऐसे आर्म को, आर्म का फ्लेक्शन, लेकिन नीचे जाते हुए इसेंट्रिक फेस को ऐसा कर देते हैं, प्रोनेटेड कर देते हैं। अब जब आप ऐसा करते हो ना तो आपकी ये एक्सरसाइज सिर्फ आधे रेंज ऑफ मोशन में ही आपके बाइसेप को टारगेट कर रही है। यानी कि जब आप कॉन्सेंट्रिक फेस, जब हाथ ऊपर आ रहा है, आर्म फ्लेक्शन हो रहा है, तभी आपका बाइसेप काम कर रहा है। उसके बाद जब आप हाथ को यूं मोड़ के ऐसे करते हो तो सारा का सारा लोड, इसेंट्रिक ओवरलोड जो है आपके ब्रैकियोरेडियालिस, यानी कि फोरआर्म के मसल में जा रहा है, ये ठीक है। तो आप करने के लिए कर सकते हो एक्सरसाइज को, बट इट्स नॉट द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बाइसेप्स। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी वो है हाई एंगल केबल कर्ल्स। अब इसको मैं दे रहा हूँ आपके सिर्फ 2.5 स्टार 5 में से, और इसको रख रहा हूँ 7th नंबर पे। अब इसका रीज़न क्या है, देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, बहुत सारे लोग इसको बहुत इफेक्टिव समझते होंगे और कहीं ना कहीं ये है भी, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि हर कोई इसको इफेक्टिवली नहीं लगा सकता। इसको लगाने के लिए आपको ज़बरदस्त मसल एंड माइंड कनेक्शन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए बॉडी में, और एक एक्सपीरियंस चाहिए। कोई भी बिगिनर अगर इसको लगाता है तो उसका मसल एंड माइंड कनेक्शन, उसका न्यूरल एक्टिवेशन उतना स्ट्रांग नहीं होता जो एक एडवांस लिफ्टर का, एक एडवांस बॉडी बिल्डर का होता है। तो उसको बहुत स्ट्रगल होता है फील करने में मसल को, यानी कि एक तो ये हाथ ऊपर नीचे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, स्टेबल नहीं रहता। दूसरा, स्ट्रेच आपको और कॉन्ट्रैक्शन आप पूरा फील नहीं कर पाते क्योंकि आपकी बॉडी रॉक कर रही होती है, ठीक है। तो ये अच्छी एक्सरसाइज है लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है कि इसको सारे लोग इस्तेमाल कर पाए, इसीलिए मैंने इसको 7th नंबर पर रखा हुआ है और 2.5 स्टार दिए हुए हैं। एक प्रॉब्लम और यहाँ पे है कि आप मसल को ज़्यादा ओवरलोड नहीं कर पाओगे वेट के साथ। जैसे ही आप हैवी वेट लगाने जाओगे ना, ये देखो थोड़ा हैवी वेट लगा रहा हूँ मैं, तो ये करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर इतना ही हैवी वेट मैं इस मूवमेंट में करूँगा, यानी कि खड़े होकर लगाऊंगा, तो मैं ज़्यादा वेट उठा सकता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप इस एक्सरसाइज को इस्तेमाल करना चाहते ही हैं और चाहते हैं कि आप इसको लर्न करें वगैरह वगैरह, तो डोंट डू इट इन द बिगिनिंग ऑफ योर बाइसेप वर्कआउट। इसको लास्ट में रखो, 3री या 4थी एक्सरसाइज में इसको करो, और अगेन ज़्यादा रेपिटेशन 12-15 के आसपास लगाओ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मूवमेंट वेल। ऑलराइट, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी प्रीचर कर्ल्स। इसको मैं रख रहा हूँ 6 नंबर पे और इसको मैं दे रहा हूँ 3 स्टार 5 में से। अब इसका रीज़न क्या है, बहुत दुख हो रहा है मुझे इसको इस लेवल पे रखने के लिए क्योंकि मुझे वो एक्सरसाइज बहुत पसंद है, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें, इसी वजह से मैंने इसको ये रैंक दिया हुआ है। अब जब आप प्रीचर कर्ल्स लगाते हो ना, चाहे आप स्ट्रेट बार से लगाओ या फिर ईजी बार से लगाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है, मज़ा आ जाता है इसको लगाते हुए। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इसको ओवरलोड करने लगते हो मसल को इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, तो आपके एल्बोज लॉक होते हैं, और कई सारे लोगों को
बहुत ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से, एल्बोज लॉक होने की वजह से बाइसेप टेंडन जो है, बाइसेप टेयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, राइट, जिसका बाइसेप टूट गया था। कभी कभी लोग इस लॉक पोजीशन में जब एक्सरसाइज करते हैं तो बाइसेप के टूटने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि पता नहीं होता लोगों को कि कितना लोड लेना है कितना नहीं लेना है, और रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से सारा लोड पूरा आपका बाइसेप मसल पे बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसीलिए ये एक्सरसाइज को लगाते हुए बहुत ध्यान आपने देना है कि उतना ही लोड लगाएं जितना आपका हाइपरट्रॉफी रेंज के लिए सही है, 8, 10, 12, 15। कम रेंज में मत जाओ, यानी कि 5 रेपिटेशन लगा रहे हो, 4 लगा रहे हो, 3 लगा रहे हो। दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज जब आपका एल्बो लॉक हो जाता है। बहुत हैवी लोड लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इट्स एन आइसोलेशन मूवमेंट, जॉइंट सहन नहीं कर पाएंगे आपके, या तो शोल्डर जॉइंट चला जाएगा या एल्बो जॉइंट या फिर बाइसेप चला जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी केबल बाइसेप कर्ल्स, जो आप बार से लगाते हो। इसको रख रहा हूँ मैं 5वें नंबर पर रैंक, और इसको दे रहा हूँ मैं 3.5 स्टार। अब इसका रीज़न क्या है भाई? बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। जब आप इसको लगाते हो ना तो आप अपने मसल को पूरा ओवरलोड कर सकते हो, यानी कि बहुत हैवी वेट भी इसमें उठा सकते हो, क्योंकि बहुत स्मूथ मूवमेंट मिलता है आपको बाइसेप कर्ल्स करते हुए, और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है फॉर बिगिनर्स। मतलब बिगिनर हो ना आप तो इससे ज़रूर एक्सरसाइज करना, आपका मसल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होगा, हाइपरट्रॉफी अचीव करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन सेम टेंशन नहीं देती आपके बाइसेप को, ठीक है? क्यों? जब आपका मूवमेंट स्टार्ट हो रहा होता है ना, ये वाला, ये यहाँ तक, तो सबसे कम टेंशन यहाँ पे होती है आपके बाइसेप में। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तब आपकी टेंशन बढ़ने लगती है, मतलब जैसे जैसे आपका ये आर्म परपेंडिकुलर होने लगता है इसके रेजिस्टेंस के, तब आपको टेंशन फील होने लगेगी। इनिशियल फेज जो है ये वाला, ये बिल्कुल ईजी है, ये बहुत कम, ठीक है, यहाँ से आपको टेंशन मिल रही है, ठीक है। तो इसीलिए आप इस एक्सरसाइज को जब आप लगाते हो ना, तो ये भी मेक श्योर किया करो कि इसके साथ आप दूसरी एक्सरसाइजेस जैसे कि स्पाइडर कर्ल्स या फिर इंक्लाइंड बेंच में जो आप कर्ल्स लगाते हो उसका कॉम्बिनेशन, यानी कि वो एक्सरसाइजेस भी आप लगाओ, क्योंकि जो काम इसमें नहीं बन रहा वो काम आपका उसमें बन जाएगा। सो ओवरऑल आपकी बाइसेप की जो मसल है वो पूरी तरीके से टारगेट हो पाएगी। इसके साथ साथ एक बेनिफिट भी है इसका, नीचे से स्टार्ट करने में आपको उतना रेजिस्टेंस नहीं मिलता, इसीलिए ये एल्बो पे बहुत इजी है, और जिन लोगों को एल्बो की दिक्कत है वो लोग इस एक्सरसाइज को लगा सकते हैं, उनके लिए मज़ा आ जाएगा उनको इसमें। ऑलराइट, अब आती है हमारी इसके बाद एक्सरसाइज जो है स्पाइडर कर्ल्स। स्पाइडर कर्ल्स जो आप इस तरीके के बेंच पे लगाते हैं, इसको दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 4.5 स्टार में से। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है और इसको रैंक कर रहा हूँ मैं 4th, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों? बहुत रीजन्स हैं इसके। इससे पहले जो मैंने आपको प्रीचर बताई थी ना बहन, जो दिक्कतें प्रीचर में आपको मिलती हैं वो दिक्कतें आपको यहाँ पे नहीं मिलती, लेकिन जो बेनिफिट आपको प्रीचर में मिलते हैं वो बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलते हैं। जब भी कोई स्पाइडर कर्ल्स लगाता है इस तरीके से तो क्या कर रहा है, बॉडी को हैंग कर रहा है नीचे, ठीक है, और हाथ ऐसे लटक जाते हैं। अब ये पोजिशन जब आप करते हो बाइसेप को कर्ल्स, तो पूरा ग्रेविटी जो है ना, मतलब कि लोड पूरा आपके बाइसेप में आता है। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। उसके साथ साथ ये जब रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म होता है तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा होता है पता है स्पाइडर कर्ल्स में? जब आप ये वाला टॉप पार्ट, सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा होता है? जब आप कर्ल करते हुए यहाँ पे पहुँचते हो। सो द टॉप पार्ट इज द हार्डेस्ट इन स्पाइडर कर्ल्स, और यही बेनिफिट है आपको स्पाइडर कर्ल्स लगाने का। पीक कॉन्ट्रैक्शन जिनको फील नहीं होता कि भाई हाँ ये फील नहीं हो रहा है, नॉर्मल खड़े होकर जब लगाते हो तो पीक कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होता लोगों को, ये एक्सरसाइज में आपको पीक कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। इट्स अ वेरी गुड मूवमेंट। साथ ही साथ आपकी बॉडी को एक रिस्ट्रिक्शन मिलता है, चीटिंग करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो बॉडी मूव नहीं करती, रॉक नहीं करती, पूरी तरीके से आप अपने बाइसेप को आइसोलेट कर पाते हो। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिस्क ऑफ इंजरी बहुत कम है। पीचर बेंच में क्या होता है, आपका हाथ फंसा हुआ है ऐसे एल्बो, और ज़्यादा ओवरलोड लेने की वजह से कभी कभी क्या होता है बाइसेप टेंडन भी टूट जाता है, बाइसेप भी टेयर हो जाता है। यहाँ पे वो नहीं है, आपका हाथ फ्री है, रेंज ऑफ मोशन फ्री है, ठीक है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड लेने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है, आप उतना ही लोड लेते हैं जितना आप मैक्सिमम 10-12 रेपिटेशंस के लिए कर पाए। ऑलराइट, इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज आती है बहुत ही ज़बरदस्त, वो है इंक्लाइंड बेंच कर्ल्स, जो इस बेंच में इस तरीके से लगाते हैं। अब देखो, इसको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 4 स्टार, और काइंड ऑफ ये इक्विवेलेंट टू है आपके स्पाइडर कर्ल्स के, ये 3rd रैंक पे मैं रख रहा हूँ, लेकिन बेनिफिट आपके बहुत ही ज़बरदस्त है। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, जब आपका हाथ ऐसे एक्सटेंडेड पोजीशन पे होता है, शोल्डर एक्सटेंडेड, यानी कि जब भी आपका हाथ बॉडी के पीछे जाता है
तो भाई कमाल हो जाता है। कैसे? आपका लॉन्ग हेड सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है। लॉन्ग हेड आपका डिसाइड करता है कि आपके बाइसेप का पीक कैसा होगा। पीक डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग हेड बहुत ही ज़रूरी है, आपको फोकस करना होता है। और जब भी शोल्डर एक्सटेंडेड पोजिशन में होता है, आर्म यानी कि बॉडी के पीछे हाथ जाता है, यूं कर्लिंग होती है, तो लॉन्ग हेड पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। साथ ही साथ सुपिनेटेड पोजिशन में आप लगा रहे हो तो बाइसेप ब्राकियाई पूरा का पूरा लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ही टारगेट हो रहे हैं। इसके अलावा जब आप कर्लिंग कर रहे हो तो आप देखो शोल्डर आपका फ्लेक्शन हो रहा है, एल्बो थोड़ा सा आगे आ रहा है, जिसकी वजह से आपको पीक कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा मिलता है। ये देखिए, ये तो ये लेवरेज आपको मिलता है यहाँ पे कि आप डंबल को थोड़ा सा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा कर सकते हैं अपने हाथ को और एल्बो को थोड़ा सा मूव करके, ठीक है। और नीचे लेके जाके आप जब लेके जाते हैं पूरा का पूरा आपका आर्म स्ट्रेच होना चाहिए, तब जाके आपका लॉन्ग हेड टारगेट होता है। कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है जिनको शोल्डर एल्बो या रिस्ट की दिक्कत है, तो उन लोगों को शायद शोल्डर में पेन हो या फिर रिस्ट की दिक्कत हो, तो वो लोगों को प्रॉब्लम की वजह से ये एक्सरसाइज उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी बारबेल बाइसेप कर्ल्स, जिसको मैं दे रहा हूँ 4.5 स्टार 5 में से, और ये है सेकेंड नंबर की एक्सरसाइज, मतलब टॉप मोस्ट एक्सरसाइज। अब जब आप बाइसेप कर्ल्स लगाते हो बारबेल से ना यूं, तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है ओवरलोड करने के लिए मसल को, यानी कि इसमें हैवी वेट उठा सकते हो, आप भारी से भारी वजन आप इसमें उठा सकते हो। इवन दो बाइसेप कर्ल्स एक आइसोलेशन वाला मूवमेंट है, यानी कि सिर्फ एक जॉइंट मूव करता है, तो बहुत हैवी जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 8 से 10 रेपिटेशन वाला हैवी वेट आप इसमें उठा सकते हो। स्टैंडिंग लगाओ, बहुत हैवी लोड आप इसको दे सकते हो। और जब भी मसल बिल्डिंग की बात आती है, हाइपरट्रॉफी की बात आती है, तो लोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस एक्सरसाइज में वो आप दे सकते हो बाइसेप को। जब भी आप ये एक्सरसाइज लगाते हो तो देखो आपके बाइसेप के दोनों ही हेड्स, बाइसेप ब्राकियाई के लॉन्ग एंड शॉर्ट हेड दोनों ही टारगेट होते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको हिट कर पाते हो। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा इशू है, वो ये कि जब भी आप बाइसेप कर्ल्स लगाते हो बारबेल से, तो आपके जो रिस्ट और एल्बोज हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यानी कि आपको ये और ये करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती इसमें। जिन लोगों को रिस्ट का प्रॉब्लम है, रिस्ट में दर्द रहता है, एल्बो में दर्द रहता है, तो उनको इसमें दर्द महसूस हो सकता है, रिस्ट में पेन, फोरआर्म में भी पेन महसूस हो सकता है, सो वो लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई इशू नहीं है, आप यू नो स्ट्रेट बार से परफॉर्म कर सकते हो या फिर इवन इजी बार से परफॉर्म कर सकते हो, तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपकी रूटीन में होनी ही होनी चाहिए। बारबेल कर्ल्स जब आप लगाते हो तो उसमें आपको ये भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती कि आप अपने आर्म को आइसोलेट कर पाओ, यानी कि अगर आपका राइट हैंड वीक है या लेफ्ट हैंड वीक है तो आप आइसोलेट कर पाओ, दोनों ही हाथों को साथ में लगाना पड़ेगा, तो इसलिए भी ये कुछ लोगों के लिए मसल इम्बैलेंस दूर करने वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती। ऑलराइट, अब पहुंचते हैं हमारी नंबर 1 एक्सरसाइज में, जो है डंबल कर्ल्स। अब ये डंबल कर्ल्स आप चाहे स्टैंडिंग लगाइए या फिर बैठ के लगाइए, दिस इज बेस्ट, दिस इज द टॉप नंबर 1 एक्सरसाइज फॉर बाइसेप कर्ल्स। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो भाई इसमें वो सारा बेनिफिट तो मिलता है जो आपको यू नो बारबेल कर्ल्स में मिल रहा है या दूसरी किसी एक्सरसाइज में मिल रहा है, लेकिन वो दुख इसमें नहीं मिलते। कैसे दुख? यानी कि इट्स इजी ऑन योर रिस्ट एंड एल्बो, आप अपने हाथ के एंगल को ऐसा 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 कैसा भी कर सकते हो, तो जो भी आपको एंगल इजी पड़ता है उस एंगल में आप लगा सकते हो। आप चाहें तो सुपिनेटेड पोजिशन में थ्रू आउट एक्सरसाइज को करो, आप चाहे सुपिनेटेड लेके जाओ और उसके बाद प्रोनेटेड या न्यूट्रल की तरफ लेके जाओ, तो ये बहुत ही ईजी है आपके जॉइंट्स के लिए। प्लस ओवरलोड भी कर सकते हो, आप हैवी डंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे आप स्टैंडिंग लगा रहे हो राइट, चाहे आप बेंच में बैठ के लगा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, आपके ओवरऑल बाइसेप के हेड्स को, आपके लॉन्ग हेड राइट दिस पार्ट एंड शॉर्ट हेड दोनों को ही आप टारगेट कर सकते हैं। आप जब डंबल को थोड़ा सा इनवर्ट पकड़ेंगे इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा आपके आउटर हेड को ज़्यादा टारगेट करेगी, लॉन्ग हेड एंड ब्राकियालिस को। आप जब अपने हाथ को थोड़ा सा बाहर रखेंगे इस एंगल में, तो ये आपके अंदर के शॉर्ट हेड को ज़्यादा टारगेट करेगी। तो इसमें आप वेरिएशंस भी बहुत दे सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों को मसल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा, कम स्ट्रेंथ, तो वो आइसोलेट कर सकता है अपने राइट हैंड को या फिर लेफ्ट हैंड को जिस तरीके से भी चाहे। तो इसमें यूनिलैटरल एक्सरसाइज लगाने की फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। सो दिस इज व्हाई डंबल कर्ल्स इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बाइसेप्स। ऑलराइट, सो गाइस
ये थी हमारी सारी एक्सरसाइजेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें, और अगर आपको इस तरह के वीडियोज और देखने हैं बेस्ट टू वर्स्ट वाले तो भाई कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ताकि हमें पता चले, हमारी टीम को पता चले कि हमें और भी ऐसे वीडियोज बनाने हैं। ऑलराइट, आई विल सी यू सून। जीत सलाल साइनिंग ऑफ।